तुलसीदास जी बैठे हैं। अरे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राम जी ने चंदन उठाया और तुलसीदास जी को तिलक कर दिया। जैसे राम जी ने तिलक किया, हाय 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 हाय, तुलसीदास जी का तो जीवन ही बदल गया। सारी बुद्धि के बंद दरवाजे खुल गए। जब राम जी ने वो हीलिंग की, जो उपचार किया, माथे के ऊपर जो तरंगों का संचार किया, तुलसीदास जी का तो जीवन ही बदल गया। अब मन में विचार आया, हाय अब मैं राम चरित्र लिखूंगा। बड़ा कठिन हो गया है, लोग संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं, अब मैं अपनी भाषा में लिखूंगा, अपनी अवधि भाषा में लिखूंगा। लोगों से सलाह की तो लोगों ने कहा दिमाग खराब है, अरे रामचरित्र लोगों से दूर चला गया है, अब लोग संस्कृत समझने वाले नहीं रहे, मैं अपनी भाषा में लिखूंगा। जैसे कोई आपके नापों से लिख दे कि मैं पहाड़ी में लिखूंगा राम जी की कथा, तो वैसे ही तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में कथा लिखनी शुरू की। महाराज संवत 1631, हाय हाय हाय, नवरात्रों का व्रत किया, रामनवमी का उद्यापन किया, बहुत बड़ा भंडारा किया अयोध्या के बीच में, और भंडारा करके कलम उठाई है बाबा तुलसीदास जी ने और नाम लिखा राम चरित मानस। अब मैं राम चरित मानस को लिखूंगा। किसी ने पूछा क्यों लिख रहे हो, क्या पहले नहीं ग्रंथ? कहा कि निगम पुराण, अरे वेदों शास्त्रों से मत लेकर के रामायण की कुछ बातें, स्वांता सुखाए, मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं, मैं ना किसी को नीचा दिखाने के लिए ना अपनी बड़ियाई के लिए लिख रहा हूं, स्वांता सुखाए, मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। अब लोग क्या कहें, जो लिख रहे अपने सुख के लिए रहा है, लिखने दो। इसलिए स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध, हरे अपने अंदर के सुख के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा। जब लिख करके तैयार हो गया ग्रंथ, सब कहने लगे अवधि भाषा में कौन पढ़ेगा, तुलसीदास का बहिष्कार करो। बहुत लोग इकट्ठे हो गए, बहुत विरोध हुआ बाबा तुलसीदास जी का, ये बात गलत है, संस्कृत की बातें अपनी भाषा में लिख दी। और एक परीक्षा हुई इस ग्रंथ की, एक परीक्षा, भगवान शिव के मंदिर में रामचरितमानस को रखा सबसे नीचे, और उसके ऊपर सारे शास्त्र 18 पुराण, भगवत गीता, शिव महापुराण, जितने भी ग्रंथ थे सब ऊपर से ऊपर रख दिए, और बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। क्या लगा दिया? ताला। पढ़ ध्यान से सुनना, ताला लगा दिया बंद करके, और तुलसीदास जी के चारों ओर लोग बैठ गए कि सुबह को ये ग्रंथ सबसे ऊपर होना चाहिए, पहली शर्त, और इसके पहले पन्ने पर भगवान शिव के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये शर्त रखी। बाबा तुलसीदास जी ने कहा मुझे कोई चिंता नहीं है, हस्ताक्षर करें तब भी ठीक, ना करें तब भी ठीक, क्योंकि मैंने अपने सुख के लिए लिखा है, मैंने परीक्षा के लिए नहीं लिखा, मैंने लिखा है स्वांतः सुखाए, अपने सुख के लिए रामायण को लिखा है। बाबा तुलसीदास जी तो भजन में मगन हो गए, सीता राम, गाली जी थोड़ी देर, सीता अरे मिलकर गाओ, खिचड़ी ना पकाओ,
सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीता। गालो ये बड़ा काम आएगा। जितनी जोर से लड़ते हो ना उतनी जोर से गाओ। बस लड़ने में कितनी ताकत, लड़ते तो होंगे कभी ना कभी, गुस्सा तो आता होगा, लगाओ जोर जरा। ये बात है, वो सीताराम 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 वो सीता। सारी रात बीत गई भजन करते करते, चार और लोग बैठे रहे, बाबा तुलसीदास मजे से सो भी गए, लोग नहीं सोए, ऐसा ना उठ के चला जाए। सुबह जब 5 बजे मंदिर के पट खुले, जब दरवाजा खुलता है सब हैरान हो गए, ताला लगा था पहरेदार बैठे थे, रामचरितमानस सबसे ऊपर था और पहले पन्ने पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदर। ये भगवान शिव ने हस्ताक्षर किए थे। अब सब चुप हो गए, सब चरणों में, अरे महाराज बाबा तुलसीदास जी ये तो गजब हो गया। बाबा ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने सुख के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? मान सम्मान इनका, अपने को क्या फर्क है, हम तो बाबे हैं, मिल गया तो खा लेते हैं, तो भूखे भी रह जाते हैं, अपने को क्या, हमने कौन सी कोठी डालनी है कोई। बोले राधे 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 राधे, जय श्री राम जय श्री राम। अब कुछ लोग और भी दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ को चोर लो और पहला पन्ना फाड़ देंगे। देखो ऐसे भी लोग बहुत, अरे हर तरह की दुनिया है, अब एक ही तरह के आदमी थोड़े होंगे, नाभों में की कथा करवा लो सब, हाँ थोड़े करते होंगे, कई तो जलते होंगे, हर साल ही करा लेते हैं, इनका तो करो ना भी कुछ नहीं। पिछली बार भी हो गई, इस बार फिर हो गई। बोलो जय श्री राम। अब हर तरह का, एक ही तरह के सब आपके समर्थक ही थोड़े होते हैं, विरोधी भी तो होते हैं, ये होने चाहिए। नीति कहती है जिसका विरोध होता है वो जिंदा है, मुर्दे का विरोध नहीं होता। चाणक्य कहता है कोई मुर्दे का विरोध करता है? अगर पैसे भी लेने हो तब भी नहीं लेता कोई, मर ही गया तो क्या आ जाए, छोड़ो। लड़ाई तो जिंदे के साथ है, नहीं है तो बोलो, जिंदे के साथ ही। मान लो आपने कि सिर्फ 2 लाख ही लेना है, बंदा मर गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं, तो क्या करोगे? ओ जी जब मर ही गया, जब मर ही गया। तो चाणक्य कहता है जिसका विरोध होता है समझ लेना वो जिंदा है, क्योंकि मुर्दे का कोई विरोध नहीं करता। इसलिए अगर आपका विरोध होता है समझ लेना जिंदा है, अगर विरोध नहीं तो समझो मुर्दा है साहब। इसलिए कुछ काम ऐसा करिए कि लोग आपको अच्छा भी कहें, और बुरा कहने वालों को तो कोई रोक, कितना भी अच्छा कर लो कहने तो कोई बात नहीं। बोलो हरे कृष्ण हरे राम, जोर से कहो हरे राम। सियावर राम चंद्र भगवान की। अब ध्यान से सुनना बात, समझना इस बात को। जब चोरी का प्लान बनाया तो राम जी और लक्ष्मण जी पहरा देने लग गए तुलसीदास जी की कुटिया में। अब चोर आते हैं, और चोर ने जब धनुष बाण लेकर देखा राम जी को लक्ष्मण जी को, चोरों के तो पांव के नीचे से, हे भगवान यहां तो राम जी पहरा दे रहे हैं। दूसरे दिन फिर दिन में आए, तुलसीदास जी के चरण में पड़ गए, महाराज क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, गलती हो गई गलती हो गई। क्या हुआ? कि हम तो चोरी करने आए थे, लेकिन अब हम आपके चेले बनना चाहते, दीक्षा दे दो, चेला बना लो। कि हम क्या चेला बनाएंगे, राम राम बोलते रहो बन गए चेले,
जो राम का वो हमारे काम का, जो राम का नहीं वो हमारे, बन जाओ चेले राम नाम ही तो बोलना, बोल लगे राम नाम बोलने चोर। लेकिन तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ, अरे मेरे कारण मेरे राम जी को पहरा देना पड़ता है, इसलिए इस ग्रंथ को मैं सबके सामने रख दूंगा, कोई ले जाए तो ठीक, लेकिन मेरी वजह से मेरे राम को कष्ट होना, अरे मेरे पहरे के लिए मेरे राम जी आए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। इसलिए तुलसीदास जी ने ये रामायण को लिखा, साहब हम आपके लिए आसान कर दिया रामायण, हाँ अगर ये रामायण उन्होंने ना लिखा होता तो आज जनमानस में रामायण का प्रचार नहीं होता। 2019 में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के दौरान पूरे विश्व में नंबर एक जो पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है वो रामचरितमानस आया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामचरितमानस पढ़ा जाता है, चाहे हनुमान चालीसा के माध्यम से हो, चाहे सुंदरकांड के माध्यम से हो, और नंबर दो का ग्रंथ आया भगवत गीता। पहले नंबर वन पर भगवत गीता थी, रामायण ने भगवत गीता को नंबर दो पर ला दिया। ये ऐसा ग्रंथ आप सुन रहे हैं, बोले रामचंद्र भगवान। और जब राम कथा की तुलसीदास जी शुरुआत करते हैं तो क्या लिखते हैं, संत दर्शन से रामचरितमानस की शुरुआत होती है। आओ जरा उन्होंने जो लिखा है उन्हें गाले, क्या लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बस भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते हैं। कहां रहते हैं, प्रयागराज। और खाली प्रयागराज में रहते नहीं है, प्रयागराज समझते हैं जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों मिले प्रयागराज। ये तीन नदियां वहां बहती हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने वहां डुबकी लगाई है, लगाई है किसी ने प्रयागराज में डुबकी? अच्छा, ओहो राधे बोलो जय श्री राम। एक जगह मैं कथा सुना रहा था, मैंने पूछा कोई हरिद्वार गया है, आप ऐसे गया कोई हरिद्वार लगा जी डुबकी हरिद्वार? शुक्र है बम, मैंने ऐसा बोला, एक माता आगे बैठी थी, जो उसने स्यापा करना शुरू किया मैं तो डर गया, मैं क्या पता नहीं क्या बोल दिया, मैं क्या माता जी क्या हुआ कि पता नहीं हम मरने के बाद भी जाड़ी के रहे जीवने जीव तो माने क्या हुआ ही नहीं। बोलो जय श्री राम। तो कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग तो मरने के बाद ही हरिद्वार जाते, हड्डियां जाती गई होंगी तो, अरे जिंदे जी जाया करो, यात्रा कर लिया करो, सब कुछ कोरोना में नहीं जिए। जो लोग बड़े काम में बढ़ते थे अपने को, मारे प्रभु कोई काम में ही नहीं है, वो बैठ गए घर में, तभी तो जिंदगी चली। हमें तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, आपको सिखाया नहीं सिखाया मुझे नहीं पता, हमें बड़ा कुछ सिखाया। जिंदगी पहले भी चल रही थी, जब रोज कमा रहे थे तब भी आराम से चल रही थी, जब घर में बैठे थे, मैं कहा चलाने बड़ा तो कोई और ही है, हम तो ऐसे व्यर्थ में ये मजे से तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, पूरे परिवार को साथ ले जाते हैं, आराम से भगवान का भजन करते हैं। आज मरे कल धुआ दिन, आज मरे कल ये आपके फोन लैपटॉप घर सब यहीं रह जाएगा, मतलब लोग
जल्दी करा रहा, भूख लग रही, जल्दी करा रहा। चाहे 100 साल से अपने घर बनाने में लगा दिए, चाहे 50 साल, कोई रखेगा अपने मुर्दे को घर में? है कोई महीना रखने वाला? कि चलो महीना पर रख ले बापू जी अपने। ले बापू जी को तो 8 बजे प्राण निकल गए तो 2 बजे बापू जी भूख भी दिए। नहीं होता तो बताओ, हमारे साथ होगा, सबके साथ होगा जीवन में, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग ना तीर्थ करते हैं ना यात्रा करते हैं। देखो हरिद्वार भी आधे लोग नहीं गए, वृंदावन नहीं गए, कितनी कथाएं आपके यहाँ हो गई। इस बार जाना मार्च महीने में, लिखवा देना, मैं आपको डेट बता दूंगा। हाँ मार्च महीने में जाकर आना वृंदावन में। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे राम। अच्छा भरद्वाज जी प्रयाग में बसते हैं। अच्छा खाली रहते नहीं है प्रयाग में, क्या विशेषता है उनकी? तीन ही राम पद अति अनुरागा, उन्हें राम जी के चरणों से अति प्रेम है। खाली प्रेम नहीं है, अति अति समझते डीप लव, इतना ज्यादा प्रेम है, इतना ज्यादा प्रेम है कि राम जी के बिना, राम कथा के बिना एक मिनट भी नहीं रहते, नहीं रहते। हर समय बस सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम यही करते रहते हैं। अच्छा अब क्या हुआ? अरे तापस समदम दया निधाना, ये जो भरद्वाज जी हैं इनके अंदर इतने गुण हैं, तापस तपस्या करते हैं, सम कोई भी आ जाए किसी को मना नहीं करते, किसी जाति का आ जाए किसी धर्म का आ जाए उन्हें कोई दिक्कत नहीं, भैया सब राम के ही हैं आ जाओ। लेकिन जो आए वो राम का भजन करे, क्या शर्त रखते हैं? राम का भजन करे, बस एक नियम है आश्रम का, क्या करे राम का? अब आकर लग जाए बातें करने, इधर की मेरी बकरियां भाग गई है जी, मेरी गाय भाग गई, मेरी मम्मी लड़ती है, ये वो, उसको नहीं मानते थे। समझ रहे बात? किसको मानते हैं? जो राम का भजन करता है, जो राम का भजन करे वो अपना। अच्छा तपस्वी है, सम है और दम अर्थात प्राणायाम करते हैं, लोगों को प्राणायाम सिखाते हैं, लंबे सांस लिया करो लंबे सांस छोड़ा करो, इसे प्राणायाम कहते हैं। जितना सांस लंबा लेते हैं उतनी बीमारियां कम लगती हैं, जितना सांस छोटा होता है उतनी बीमारियां। अगर आपने बीमार होना है तो सांस छोटा लिया करो, सांस कईयों का तो यही लगाता बस फेफड़े तक ही जाएगा, थोड़ा सा बस खत्म हो गया, सांस रुका तो गया। जितना लंबा सांस लोगे, जिसका सांस से पेट फूल जाए, लंबा सांस जो लेने लग जाए उसे बीमारियां कम लगती हैं, जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतनी बीमारियां, अरे बोल दो, कम लगेगी। अगर आपने बीमार नहीं होना तो लंबा सांस लिया करो, बोलो हरे कृष्णा हरे राम। अच्छा सम दम दया, उनके दिल में दया है, किस दिल किसके दिल में दया है? क्या नाम बताया मैंने संत का भी? हाँ माता, ऐसे नहीं बैठना यहाँ, पूरा दिमाग खोल के बैठना। क्या नाम बताया ऋषि का भी? बस हाँ जी, क्या नाम बताया देवता? ये देखो ये नहीं सुन रहे कथा, खबरें ध्यान कहाँ होना, ओहो इतनी दूर से आए, चाय का एक ही कप पिलाया, पकौड़े भी नहीं बनाए, नमकीन भी नहीं खिलाई, ऐसा तो नहीं कहीं? याद रखो फिर मैं, अरे मैं पूछूंगा बार बार क्या नाम रखा है। अच्छा रामचरितमानस किसने लिखा? हाँ याद है, किसने लिखा? कल फिर पूछूंगा मैं, याद रखना। और ये संत कहाँ रहते हैं, इनका डेरा कहाँ है, जिनका भी नाम बताया भरद्वाज जी कहाँ रहते हैं? अरे वाह, तालियां बजाओ इनके लिए, बड़ी बड़ा ज्ञान है इनको, ऐसा नहीं है ये बताती है ना, पहाड़ की माताएं कई बार शर्म करती हैं, ले पंडित जी को जवाब थोड़े देना। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री राम, जोर से कहो। अच्छा सम दम दया, ये दया है इनके मन में,
और ये जितने भी लोग आते हैं सबके लिए वहां भंडारा चलता है, अखंड भंडारा। और यहां भी तो वो भंडारा रोज होता है। अरे पिछली बार तो बड़ी क्या बात थी, इस बार तो राम कथा है और भी ज्यादा आनंद आने वाला है। बोलो जय श्री राम। जोर से कहिए जय श्री राम। तो सबको भंडारा है यहां पर भी और प्रयागराज में भी। इसलिए जो घर बैठे सुन रहे हो, अरे कथा में ना सब कम से कम भंडारा तो खा लेना भाई, भंडारे में जरूर आना। कई बार होता है कई लोगों को काम होते हैं भाई, घर घर के काम होते हैं, तो भंडारे में तो आ ही सकते हैं। बोलो जय श्री राम। जोर से कहिए जय सिया राम। अच्छा सम दम दया निधाना, दया के निधान है और परमार्थ पथ परम सुजाना। जो भी उनके यहाँ आते हैं उनको राम जी का रास्ता बताते हैं भरद्वाज जी, राम जी ऐसे मिलेंगे, राम जी ये करेंगे, राम जी वो करेंगे, ये खुद सुनाते हैं। लेकिन एक दिन एक घटना घटी, अभी जो माघ महीना, अभी संक्रांति आ गई ना, फाल्गुन चल पड़ा, अभी जो माघ महीना है ना जो गया, इस माघ महीने में वहां मेला लगता है। क्या लिखा बाबा तुलसीदास जी ने, एक एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए। ये चौपाइयां मेरे साथ बोलना, रामायण की चौपाइयां जहां बोली जाती है वहां पर राम जी की कृपा बरसती है। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सहा श्रम है सिधाए, सब मुनि सहा श्रम है जग बाल चौपाइयां गा लेना। जब दूसरे विश्व युद्ध में, तीसरे की तैयारी चल रही है, तीसरा विश्व युद्ध बड़ी जल्दी होने ही वाला है कुछ दिनों में, ध्यान से सुनना। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान पर परमाणु बम का अटैक हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी वहां जब गए, ध्यान से सुनना बात। आपने, आप में से कोई है जो रेडियो सुनता हो? अब तो नहीं सुनते, बुजुर्ग होंगे। कोई रेडियो में सुबह सुबह 6:15 बजे रामायण की चौपाइयां आती हैं रोज, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने चलवाई थी। सुबह सुबह रोज रामायण की चौपाइयां गानी चाहिए, रिकॉर्डिंग करवा के रोज रेडियो पर आकाशवाणी से रामचरितमानस गाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब परमाणु बम से अटैक हो गया जापान के ऊपर, तो जापान से जिस जगह पर अटैक हुआ वहां पर ना तो घास होता है और बहुत बुरा हाल जापान का हो चुका है। जापान के बीच में आज दिन तक बच्चे उस जगह पर लंगड़े और वहां पर जानवर बचते नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नियम था कि वो साथ में गाय का गोबर और रामायण रखते थे, उसे पढ़ते थे, जहां भी जाते गाय के गोबर का चौका लगाते थे।
तो जहां पर परमाणु बम हुआ था वहां पर वो पहुंचे। उन्होंने गाय के गोबर का चौका लगाया, धूप लगाया, दीप लगाया, रामचरितमानस रखा और रामचरितमानस का पाठ किया। नॉर्मल जैसे रोज करते थे नित्य नियम। वापिस आना हुआ, कुछ दिनों बाद जापान से लोगों का उनको फोन आया कि जिस जगह पर आपने कुछ लगाया था उस जगह पर घास पैदा हो गया, आज दिन तक नहीं हुआ। और जो आपने चौपाइयां बोली थी उस एरिए में कुछ जीव जंतु पैदा हो गए, जीवन चल पड़ा। ये हमें दीजिए चौपाइयां, हम भी पढ़ेंगे। ये क्या किया आपने, क्या क्या कहा आपने? उन्होंने कहा कि ये रामचरितमानस में पढ़ता था। फिर उन्होंने ये नियम लागू कर दिया कि पूरे भारत देश में सुबह सुबह रेडियो पर रामचरितमानस की चौपाइयां बजनी चाहिए। इन चौपाइयों को गाने से परमाणु बम, और अगर गाय का गोबर आपके पास है जो भारतीय नस्ल की गाय है, उस गाय के गोबर के माध्यम से आपके ऊपर परमाणु जो होते हैं ना उनका प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रैक्टिकल हुआ है, इसलिए वहां पर फिर गाय का गोबर हजारों टनों के हिसाब से फेंका गया। और आज जापान का वो क्षेत्र बड़ा उन्नत हो रहा है, लगभग हो चुका है, और जापान वर्ल्ड में नंबर वन पर चल रहा है इस समय टेक्नोलॉजी के मामले पर। दुर्भाग्य हम लोगों के पास गाय भी है, रामायण भी है, पर पढ़ने वाले नहीं है, नॉलेज वाले नहीं है, ज्ञान वाले नहीं है। अगर हैं भी हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं है, क्या करें? बोलो हरे कृष्ण हरे राम। इसलिए इन चौपाइयों को मैं सब गाना, अगर तो आपको रामचरितमानस आपको याद होता फिर तो मैं पूरी चौपाइयां सुनाता रहता। लेकिन अब मैं आपको अकेली अकेली चौपाई का अर्थ समझाऊंगा और साथ में आपसे गवाऊंगा भी। आई चौपाई समझ में? एक बार भरी मकर नहाए, कि मकर, मकर मैंने मकर संक्रांति, माघ महीना जब आता है तो वहां पर मेला लगता, भरी पूरा भर गया, अवधि भाषा है भरी, जैसे हम अपनी भाषा में बोले मारा आंगन भरी हुआ, भर गया पूरे प्रयागराज में, पूरा संत समाज भर गया और सब लोग डुबकी लगाते हैं त्रिवेणी में, गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद सब मुनीश आश्रम है सदाए